नमस्ते। नमस्ते, पिताजी तो हॉस्पिटल गए हैं। कोई बात नहीं, आप मेडिकल कॉलेज में सीट के लिए बहुत कोशिश कर रही हैं ना, दरअसल मैं उसी के बारे में बातचीत करने आया था। थैंक यू। आप कौन से कॉलेज में कोशिश कर रहे हैं? दैट्स अ टॉप सीक्रेट, पर मैं आपके लिए सीट का प्रबंध जरूर कर दूंगा। बदले में आपको भी एक चीज देनी होगी। क्या चीज? एक नाची सी चीज। ये क्या कर रहे हैं? अरे कमाल करती हो। और इंस्पेक्टर? हाँ, तुम्हारे जुल्म का खात्मा करने के लिए मैं इंस्पेक्टर बना। सर, मैंने इसको उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये डॉक्टर की बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। यू रास्कल, तुझे सजा से बचाने के लिए मैंने अपनी नौकरी, अपनी जिंदगी खतरे में डाली, और तू हरामखोर, तू मेरी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। डीएसपी साहब, इस कमीने को सजा मिलनी ही चाहिए। इसके मंत्री बाप ने मुझ पर यह जोर दिया कि मैं इसे झूठ मूठ बीमार बनाकर अस्पताल में भर्ती करवा दूं। राजनीति के दबाव में आकर मैं ये नाजायज काम करने पर मजबूर हो गया, लेकिन आज मैं सब कुछ सच बताकर ही रहूंगा। इसके पापों में कब्जा कन्हैया लाल का बेटा भी बराबर का शरीक है, उसे भी गिरफ्तार कर लीजिए डीएसपी साहब। मिस्टर रवि, तुमने आज अपनी ड्यूटी के पहले दिन ही एक बहुत खास मुजरिम को गिरफ्तार किया है। अब जाओ, इसके साथी को भी गिरफ्तार करके ले आओ। जाओ, जाकर प्रकाश को चारों तरफ तलाश करो। जाओ। तुम ये क्या हुलिया बना रखा है भाई? तुम्हारा असली हुलिया दुनिया को दिखाने के लिए मैंने ये हुलिया बनाया है कब्जा। उस दिन तो तुम मेरे हाथों से बच के निकल गए, लेकिन अब तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का बचना नामुमकिन है। बगैर सर्च वारंट के मेरे घर में घुसकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है मिस्टर। चुप! तुम्हारे खरीदे हुए डॉक्टर ने पुलिस के सामने तुम्हारे सारे पोल खोल दिए हैं, इसीलिए तुम जैसे आदमी के घर में दाखिल होने के लिए जिसने अपने बेटे को छुपा रखा है सर्च वारंट की कोई जरूरत नहीं, समझे? सत्यन के खून के जुर्म में मैंने कैलाश को तो जेल में बंद कर दिया है, अब तुम्हारे बेटे की बारी है। पता तूने अपने बेटे को कहां छुपा रखा है? मैंने उसे कहीं नहीं छुपाया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। सर, सर, घर में कोई नहीं है सर। कब्जा, अगर तेरा बेटा जहन्नुम में भी छुपा हुआ है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अपने बेटे की मौत की याद में आंसू बहाना शुरू कर दे। क्या रवि इंस्पेक्टर बनकर आवा रहा और हमारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया? साले की इतनी हिम्मत,
हम आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, तुम फोन मत करो। अरे फोन मत करो यार। क्या सत्यन को तूने मारा? मुझे नहीं मालूम। तूने ही तो कहा था कि सत्यन की जान तूने ली थी। मैंने नहीं कहा। तेरा बाप भी बताएगा। इंस्पेक्टर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मुल्जिम की गिरफ्तारी पर मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया था, लेकिन उसे हिरासत में लेकर इस बुरी तरह से मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। सर, मुल्जिम की जुबान से सच उगलवाने के लिए पुलिस को कभी कभी सख्त रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ये जो सलाखों के पीछे तुम उसकी दुर्दशा बना रहे हो, ये कानून के अफसर का कर्तव्य नहीं। इसके पीछे तुम्हारी वही इंतकाम और बदले की भावना है। कानून का अफसर बनने के बाद तुम्हारा किसी मुलजिम से भी इंतकाम या बदला लेना अपने ओहदे, अपनी वर्दी और अपने फर्ज की तौहीन करना है। एक्सक्यूज मी मिस्टर कलेक्टर, इतनी मुद्दत बीत गई इन मुलजिमों को गिरफ्तार करने में। डिपार्टमेंट के बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर जो काम ना कर सके, वो काम मैंने कर दिखाया, और आप मुझे एक अफसर समझकर मेरे किए हुए कारनामे पर मुबारकबाद देने के बजाय उल्टा मुझे ही मुजरिम ठहरा रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा जमीर इंसाफ मांगता है, लेकिन इंसाफ भी तरीके से होता है। मुलजिम को मुजरिम अदालत ही करार दे सकती है, वही उसे सजा भी दे सकती है, तुम और मैं नहीं दे सकते। मुझे इस बात का भी एहसास है कि इस भावना से तुम्हारे अंदर इंतकाम के जज्बे को ठंडक तो पहुंचेगी, लेकिन अगर इस बीच उस मुलजिम ने दम तोड़ दिया तो बिसात एकदम पलट जाएगी। मुकदमा जो उस पर चलना चाहिए वो तुम पे चलेगा। मुजरिम तुम करार दिए जाओगे, तुम, और सजा जो उसको मिलनी चाहिए वो सजा तुम्हें मिलेगी, और फिर उसके बाद उसका कोई उपाय नहीं होगा। कोई नहीं। कुछ सुना आपने? कुछ सुना? हमारा बेटा पुलिस ऑफिसर बनकर वापस इस शहर में आ गया है। क्या इतनी अच्छी खबर सुनाई और आप हुकुम किए जा रहे हैं? और आते ही उसने एक बहुत बड़े मुजरिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपके पीए ने तो मुझे फोन पर बताया था। इतने दिन बाहर रहा, जाने बेचारे ने कभी कुछ ठीक से खाया भी होगा या नहीं। मैंने उसकी सारी मनपसंद चीजें आज घर में बनाई है। देखो रानी, तुमने उसकी मनपसंद चीजें बनाई हैं, लेकिन वो मनपसंद चीजें खाने तुम्हारे घर आएगा? क्या मतलब? क्यों नहीं आएगा? याद नहीं तुमको, उसने प्रतिज्ञा ली थी। प्रतिज्ञा ली थी उसने कि जब तक मैं जिंदगी में कुछ बन नहीं जाऊंगा, अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाऊंगा, मैं अपने इस घर में कदम नहीं रखूंगा। वो प्रतिज्ञा वतिज्ञा मैं नहीं जानती। देखिए, वो इस शहर में आया है और इस घर में ना आए, कहीं कहीं आपने तो उसे यहाँ आने से मना नहीं किया? मैं क्यों उसको मना करूंगा? जाके आप खुद उससे क्यों नहीं पूछती कि इतने दिन हो गए वो आज तक घर क्यों नहीं आया? पुलिस स्टेशन के करीब उन्होंने किराए का मकान ले रखा है। क्या? जी हाँ, किराए का मकान। किराए का मकान? आप ये सब कुछ जानते हैं फिर भी खामोश है? चलिए अभी हम उसे लेके आते हैं, यहाँ इसी वक्त। मैं नहीं जाऊंगा मैडम। आपका बेटा माना बड़ा जिद्दी है, लेकिन मैं भी कोई मून की टिकिया नहीं हूं जो पिघल जाऊंगा। उसका बाप हूं मैं। अगर आपको जाना हो तो जाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, रवि, रवि, माँ, माँ, रवि, आमा,
यहाँ बैठ। कैसी हो माँ? आप पूछ रहा है कैसी हूँ? ए माँ। अच्छा ये तो बता, अपना घर छोड़ के यहाँ किराए के मकान में क्यों रह रहा है? पता है तेरे पिताजी को कितना दुख हुआ है, चल मेरे साथ। कहाँ माँ? अपने घर और कहाँ। माँ तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, हमेशा डैडी की मिसालें दिया करती थी, उनकी राह पे चलना तुम ही ने मुझे सिखाया है, और जब मैंने उनके सारे गुण अपना लिए तो मैं इनकी शख्सियत को कैसे भूल सकता हूँ माँ। इसलिए जब तक मैं अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं हो जाता मैं घर नहीं आऊंगा माँ। वो मैं कुछ नहीं जानती, अब तू चल मेरे साथ घर। माँ मुझे मजबूर मत कर, मैं इस वक्त घर नहीं आ सकता। तो फिर तूने मुझे फोन करके क्यों कहा कि मैं शहर आते ही घर चला आऊंगा? मैंने फोन पर? कब? अप्रैल की पहली तारीख को, भूल गया? माँ मैंने तो फोन नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ कि किसने किया होगा। तूने नहीं किया था फोन? नहीं माँ। तो फिर किसने किया था? डैडी के सिवा और कौन हो सकता है? तुम्हारी हालत देखकर उनसे रहा नहीं गया होगा। डैडी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, औलाद के गम में आकर तुम कोई खतरनाक कदम ना उठा लो, इसीलिए उन्होंने मेरी आवाज में तुम्हें फोन किया होगा। माँ डैडी तुम्हें बहुत चाहते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा।